आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी और आसान है इस पास्ते को बनाना, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पास्ता ले लिया है, इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है। पैन में पानी आपने पास्ता या इसकी जगह आप मैक्रोनी भी ले सकते हो, पानी उससे ज़्यादा डालना है। आधा चम्मच नमक डाल दिया है और एक चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल कोई भी ऑयल डाल सकते हो आप इसको इसमें। तो इसको अच्छे से हिला देते हैं। हिलाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, कि ये टूटना शुरू ना हो जाए। तो 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये हमारा पास्ता अच्छे से पक चुका है। देखिए अब हम इसको तोड़कर देख लेते हैं, तो ये देखिए अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं। तो एक झरनी में डालकर हमने इसको अच्छे से ड्रेन कर लेना है। तो अभी जैसे हमारा पास्ता अच्छे से पक चुका है, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, तो हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर देते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो इसको हमने ठंडे पानी से धो देना है। तो इसको अब हम साइड में रखेंगे अच्छे से वॉश करके, तब तक हम इसका जो आगे का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो हमने एक कढ़ाई रख लिया गैस के ऊपर, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हम थोड़े से इनके 5-6 कलियाँ लहसुन की मैंने बारीक काट ली हैं, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। तो जो लहसुन का इसमें टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने 5-6 कलियाँ बारीक काट कर इसमें डाल दी हैं। तो मैंने प्याज और टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है और एक आलू लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। तो हमने अच्छे से इसको कुक कर लेना, जब तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक ना जाएं, तब तक हम इसको कुक करेंगे। इसमें हम आलू को अच्छे से जल्दी कुक करने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं, इससे जो आलू हैं हमारे जल्दी कुक हो जाते हैं। तो इसको हम ऊपर से ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो हम ढक्कन लगा देते हैं, 5-7 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसको अब हम एक बार चला देंगे और आलू को हम एक बार चेक कर लेते हैं। आलू हमारे यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसको तोड़कर देख लेते हैं। देखिए आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब हम इसमें थोड़े से कॉर्न डालेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं, हल्दी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी डाला है और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, नमक हमने पहले डाल दिया था, तो इसके जो टेस्ट का होता है ना वो बैलेंस हो जाता है थोड़ा सा नमक मिर्च डालने से। और इसमें हमने थोड़े से कॉर्न डाले हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे शिमला मिर्च है तो आप इसको भी बारीक बारीक काट कर इसमें डाल सकते हो। तो ये मैंने 2 पाउच मसाला मैजिक लिया है, तो ये मैगी मसाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको डाल देती हूँ। आपको इसमें अब और ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे काम चल जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मसाले हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। हमने 4 से 5 चम्मच इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाल दी है हमने इसमें, थोड़ी सी हम सोया सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, तो इससे हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें पास्ता डाल देंगे। अब डालकर आपने इसको अच्छे से चला देना है ताकि सारे मसाले पास्ता के साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्लाइस चीज़ की, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पास्ता में। मैक्रोनी हो तो उसमें भी आप डाल सकते हो। तो ये डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो हमारा चीज़ है वो सारे पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ये हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट ही बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।